आशु बांगड़ की जी गिरफ्तारी है। रात मैं ठीक लगभग 11 बजे पुलिस स्टेशन जाके आया जिथे कि साढ़े साथियों ने धरना लाया हुआ सी। उन्हां दी पत्नी समेत लोग बैठे सन लेकिन आशु बांगड़ उत्थे मौजूद नहीं सी उस पुलिस स्टेशन च जिथे FIR रजिस्टर हुई। एंड आशु बांगड़ दे केस विच तत पुलिस ने दसे ने कि आशु बांगड़ कोई जाली सर्टिफिकेट बनाते सन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हॉस्पिटल दे ओरे विच जिहड़ा लोगों बाहर जाने वास्ते एक्सपीरियंस चाहिए साल का ज दो साल का वह सर्टिफिकेट बनाते सन जो पुलिस दे अरूप हैं। लेकिन तुसी हैरानी महसूस करोगे कि पूरे पंजाब दे विच अज तो पहला इस तरीके नाल कोई FIR नहीं हुई होगी। असी पुलिस नूं पुछया कि 420-67-68 तुसी धारावां दे तहत बिना कंप्लेनेंट तो कोई कंप्लेंट करता शिकायत करता नहीं कोई शिकायत करता नहीं है तो आशु बांगड़ जी नूं तुसी गिरफ्तार कर लिया सी। क्या कोई सबूत? कोई सबूत नहीं है। एक लड़का व्यक्ति होर फड़िया गया नाल जिहड़ा कहिंदे आ कि कोई वॉइस मैसेज है कहिंदे आ उहदा भी कोई पता नहीं जिस तरह पहला वो वॉइस मैसेज ₹30 lakh नहीं 30 lakh का देखो बिना किसी तथ्यों के आधार पर इस तरह कोई गल कह देनी मैनू लगता जाता कोई ऐसा जो मैसेज है जनता के सामने रखन भी आ फलाना मैसेज है जां फलानी वॉइस रिकॉर्डिंग हैगी है साढ़े कोले कोई कंप्लेनेंट नहीं है बिना नहीं बट वेयर इज दैट ऑडियो क्लिप यही ऑडियो क्लिप का तो पहला मंत्री साहब का भी कहते कि देर इज ऑडियो क्लिप कल जो उन्होंने जमानत हुई तो हाईकोर्ट मानयोग जस्टिस लीजा गिल ने पूछा कि भाई कोई ज्यादा एविडेंस दो जे तुसी अपोज करना है तो कोई एविडेंस दो इफ देर इज नो एविडेंस तो उन्होंने जमानत होनी है। सो मेरे कहने का मतलब कोई ऐसा एविडेंस कोई सामने नहीं आया और बिना बिना कंप्लेनेंट तो परचा दर्ज कर दिता गया। हालांकि 420-67-68 दे विच तुसी इनक्वायरी करनी बनती है पहले बिफोर इनक्वायरी तुसी FIR दर्ज नहीं कर सकते और सरासर इट्स अ वेंडेटा पॉलिटिक्स। आशु बांगड़ चोणां दे समय आम आदमी पार्टी ते नूं छड के और कई आरोप सन जिहड़े उन्होंने लाए सन वो छड के उन्होंने जिहड़ी जित रही सी पार्टी कोई वजह होनी है जिस बंदे ने जिस करके उन्होंने टिकट छड के कांग्रेस पार्टी का दामन फड़िया। सो ये सरासर जिमें कि अलका लांबा बग्गा कुमार विश्वास ये सारा जिहड़ा घटनाक्रम है ये जान बुझ के उन्हां लोगों नाल बदला लैण दी कोशिश की जा रही है जिन्हां लोगों ने किते ना किते सवाल खड़े किए सन आम आदमी पार्टी हाँ बिल्कुल तुसी देख लो अज सवा महीना हो गया सिद्धू मूसेवाले के फादर ने यह भी कहा कि एक पैरलल गैंगस्टर की सरकार चल रही है तो अज भी उन्होंने इंसाफ नहीं मिले और मैं समझना कि बड़ी दुखद घटना है जिथे तुसी उदयपुर की घटना की गल कर रहे हो शरेआम इत्थे लोग मार के आके चले जाते हैं थ्रेट होने के बावजूद। हालांकि मेरा ख्याल उदयपुर घटनाक्रम के कोई रॉ इंटैलीजेंस की रिपोर्ट नहीं सी कि उन्होंने जान को खतरा है उन्होंने आप ही इतला दी सी इत्थे जान को खतरा होने के बावजूद भी गैंगस्टर मार के चले जाते हैं लेकिन हजे तक पंजाब के अंदरों किसी प्रकार का कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई कोई भी मुकम्मल जिहड़ा मैं समझना कि इंसाफ परिवार को नहीं दिता गया सरकार को संजीदगी दे नाल इस मुद्दे पर गंभीरता दे नाल विचार करके और मैं समझना कि आने वाले समय च परिवार को इंसाफ देना चाहिए।